हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस की सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। देखिए, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? तो सिंपली जैसे इसका नाम बता रहा है कि टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। कंट्रोल इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं कि दीज इंस्ट्रक्शन एनेबल्स अस टू स्पेसिफाई द ऑर्डर इन विच द वेरियस इंस्ट्रक्शंस इन ए प्रोग्राम आर टू बी एग्जीक्यूटेड बाई द कंप्यूटर। मतलब कंट्रोल इंस्ट्रक्शन ये डिसाइड करते हैं, ये बताते हैं कि किसी भी प्रोग्राम में, सपोज कीजिए हमने कोई प्रोग्राम लिखा है, सेल स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4, इस तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक, ये स्टेटमेंट्स हैं प्रोग्राम में। तो कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस ये बताते हैं कि ये स्पेसिफाई करते हैं द ऑर्डर इन विच द वेरियस इंस्ट्रक्शंस इन ए प्रोग्राम आर टू बी एग्जीक्यूटेड। तो किस ऑर्डर में ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है? जैसे मान लीजिए, जरूरी नहीं कि आपका 1 के बाद 2 हो, 2 के बाद 3 हो, 3 के बाद 4 हो। अभी आप आगे चलेंगे, जब इसकी एग्जाम्पल पढ़ के समझना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि कई जगह क्या होता है कि 1 के बाद हो सकता है 3, 4 एग्जीक्यूट हो, ठीक, उसके बाद 2 एग्जीक्यूट हो, उसके बाद 5, 6 एग्जीक्यूट हो। तो मतलब कि द सिक्वेंस ऑफ द स्टेटमेंट्स कैन बी चेंज्ड, ठीक है? तो दैट कैन बी चेंज विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन वो होते हैं जो हमको ये बताते हैं, हमें एनेबल करते हैं कि प्रोग्राम के जो स्टेटमेंट हैं वो किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगे, ठीक। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज हम इसको क्या कर सकते हैं कि इन अदर वर्ड वी कैन ऑल्सो से दैट द कंट्रोल इंस्ट्रक्शन डिटरमाइन द फ्लो ऑफ कंट्रोल इन ए प्रोग्राम। यस, कि फ्लो ऑफ कंट्रोल इन ए प्रोग्राम, समझ गए? जैसे हमने आपको बताया ना कि जरूरी नहीं है, तो ये हो सकता है स्टेटमेंट नंबर 1 के बाद क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, 1 के बाद 3, 4 एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके बाद 2 एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके बाद 5, 6 एग्जीक्यूट हो रहा है, या 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह एग्जीक्यूट हो रहा है, या और कोई इंस्ट्रक्शन है कि स्टेटमेंट नंबर से 1 के बाद 6 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, जैसे भी है। तो ये जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है प्रोग्राम का, कि स्टेटमेंट नंबर 1 एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल 3 पे चला जा रहा है, फिर 4 पे चला जा रहा है, फिर उसके बाद 2 पे चला जा रहा है, तो ये जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है ये हमें किससे पता चलता है? ये हमें पता चलता है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन से, ठीक। तो यही डेफिनेशन होती है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन की। अब जो सी में जो जनरली यूज कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है, दे आर ऑफ 4 टाइप। वो 4 तरह के कंट्रोल इंस्ट्रक्शन सी में यूज होते हैं, उनको हम आगे डीप डिटेल में वन बाई वन करके स्टडी भी करेंगे। आज पहले आप समझ लीजिए क्या होते हैं। जैसे पहला है आपका सिक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, सिक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड है आपका सेलेक्शन और डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, सेकंड हो गया सेलेक्शन और डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, ठीक। थर्ड है आपका रेपिटेशन और लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो आप थर्ड ऐसे लिख सकते हैं, रेपिटेशन और लूप कंट्रोल, लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, ठीक। और फोर्थ जो कंट्रोल स्टेट आपका इंस्ट्रक्शन है, दैट इज केस कंट्रोल, केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो जनरली ये 4 तरह के कंट्रोल इंस्ट्रक्शन यूज होते हैं सी प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं। तो अब इसमें जो पहला वाला है आपका, पहला वाला जो सीक्वेंस कंट्रोल है वो क्या करता है, सीक्वेंस कंट्रोल वाला जो इंस्ट्रक्शन है वो इंश्योर करता है कि द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड इन द सेम ऑर्डर इन विच दे अपियर इन द प्रोग्राम। तो सीक्वेंस, सीक्वेंस मतलब सीरियल। तो ये जो सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है वो ये इंश्योर करता है कि प्रोग्राम जिस ऑर्डर में अपियर हो रहा है या लिखा गया है, मान लीजिए स्टेटमेंट नंबर 1, 2, 3, 4, तो ये इंश्योर करता है कि ये पहले 1 एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। तो ये तो काम होता है सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का। अब उसके बाद जो सेकंड है आपका, बी पार्ट बी वाला जो है, डिसीजन एंड केस कंट्रोल, डिसीजन
एंड केस कंट्रोल, ठीक है। ये जो इंस्ट्रक्शन है आपके डिसीजन और केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, ये क्या करते हैं, ये अलाउ करते हैं, इट अलाउज द कंप्यूटर टू टेक डिसीजन एज टू विच इंस्ट्रक्शन इज टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट। तो जो डिसीजन स्टेटमेंट होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं और कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होते हैं, ये कंप्यूटर के ऊपर छोड़ते हैं कि कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन अगला एग्जीक्यूट होना है। तो उसमें ऐसा नहीं कि कंप्यूटर अपने आप सोच के, या कंप्यूटर के पास कोई ह्यूमन ब्रेन है, उसमें डिपेंडिंग अपॉन एनी ऑपरेशन या डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट ऑफ एनी एग्जीक्यूशन, उसी के हिसाब से कंप्यूटर ये काम करता है। अभी जब हम एग्जाम्पल लेंगे, आपको समझाएंगे, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो वो कंप्यूटर के ऊपर रहता है, अगर ये चीज हुई तो ये काम करेगा, ये चीज हुई तो ये काम करेगा। उसके बाद जो आता है आपका, जो हमने चौथा लिखा है आपका, ये लूप कंट्रोल। तो लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का काम क्या होता है कि दिस इंस्ट्रक्शन हेल्प्स कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली, ठीक। इसमें क्या होता है लूप कंट्रोल में, कि जैसे ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, सपोज कीजिए ये 1 2 3 4 5 से 5 6 ऐसे स्टेटमेंट्स हैं इसके अंदर, ठीक। अब इसमें हमने कहा कि जो स्टेटमेंट 3 4 5 है, ये इसको, इसका आपने एक लूप बना लिया, इसको आपने एक लूप मान लिया, और आपने कहा कि भाई ये स्टेटमेंट 10 बार एग्जीक्यूट होने हैं, 10 times, मतलब 3 एग्जीक्यूट हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, उसके बाद फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, 2 बार हो गया, फिर उसके बाद फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हो गया, 3 बार हो गया, इस तरह 10 times एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद अगला इंस्ट्रक्शन होगा। तो ये चीज कैसे कंट्रोल होती है, ये कंट्रोल होती है लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन से, ठीक। तो ये जो हमने आपको चार तरह के कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस पढ़ाए हैं, अभी आगे आने वाले लेक्चर्स में, आने वाले चैप्टर्स में हम लोग इन्हीं कंट्रोल इंस्ट्रक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आज जो हम लोग शुरू करते हैं, जो पहला हमने सीक्वेंस कंट्रोल, तो आपको क्लियर हो गया कि जिस ऑर्डर में वो अपीयर होंगे प्रोग्राम में, उसी ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन की, ठीक है। नाउ वी स्टार्ट विथ डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि इसमें आप मोटा मोटा, तो आप ये समझ लीजिए कि जनरली इसमें एक इफ स्टेटमेंट यूज होता है, इफ स्टेटमेंट, और दूसरा यूज होता है इफ एल्स स्टेटमेंट, ऐसे आप समझिए, इफ एल्स स्टेटमेंट। इस तरह के स्टेटमेंट डिसीजन कंट्रोल में यूज होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि बेसिकली इसमें आपका इफ स्टेटमेंट हो गया, इफ एल्स स्टेटमेंट हो गया, और केवल यही नहीं, पहला तो ये टाइप हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा आप कह सकते हैं कि हम इसमें कंडीशनल ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। थर्ड वन इज कंडीशनल ऑपरेटर्स, ठीक। तो डिसीजन कंट्रोल में ये तीनों स्टेटमेंट यूज होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इफ स्टेटमेंट की। तो देखिए इफ स्टेटमेंट क्या होता है, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए कि इसको कभी कभी सिंपल इफ भी बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सिंपल, ये हो गया आपका इफ स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखिए इफ स्टेटमेंट कैसे दिया जाता है कि इसमें इफ जो वर्ड है वो आपका कीवर्ड है, इसको आप ऐसे ही लिखेंगे। तो इसको इस तरह दिया जाता है, जैसे आपने लिखा इफ, ठीक। यहां आप क्या लिखेंगे, यहां आप लिखेंगे कोई भी कंडीशन। तो हमने लिखा कि इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, यहां वो चेक करेगा। तो उसके बाद हम यहां लिख देंगे एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट, मतलब ये स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी, क्लियर। इसमें क्या होता है कि ये जो आपने कीवर्ड यूज किया है इफ,
कीवर्ड इफ टेल्स द कंपाइलर दैट वॉट फॉलोज इज ए डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन. द कंडीशन फॉलोइंग द कीवर्ड इफ इज ऑलवेज इनक्लोज विद इन ए पेयर ऑफ पैरेंथेसिस. इफ द कंडीशन वेदर इट इज ट्रू वट एवर इट इज ट्रू देन द स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड. तो इसका मतलब यही होता है कि ये जो आपने कीवर्ड यूज किया है इफ, ये क्या करता है, ये इफ कीवर्ड कंपाइलर को बताता है कि भाई ये जो पैरेंथेसिस में जो भी कंडीशन दी हुई है अगर वो ट्रू है तो ही आप ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए. क्लियर? तो इफ द कंडीशन इज नॉट ट्रू देन द स्टेटमेंट इज नॉट एग्जीक्यूटेड. इंस्टेड द प्रोग्राम स्किप्स पास्ट इट. मतलब अगर कंडीशन नहीं ट्रू है तो इस स्टेटमेंट को प्रोग्राम पास स्किप कर जाएगा और अगला स्टेटमेंट कुछ होगा तो वो एग्जीक्यूट होगा. ठीक है? तो इस तरह के स्टेटमेंट जो है, जो आपने सिंपल इफ से बनाया हुआ है, वो यूज होते हैं. अब इसमें क्या होता है कि कुछ जो कंडीशनल ऑपरेटर यूज होते हैं वो आपको पता होने चाहिए कि द रिलेशनल ऑपरेटर यू शुड नो एट लीस्ट. ठीक है? जैसे अब रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं वो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, क्योंकि इफ स्टेटमेंट जब भी आप यूज करोगे इनकी आपको बार बार जरूरत पड़ेगी. ठीक है? जैसे आपने पहला आपने दिया एक्स, ये डबल इक्वल टू का साइन है, देखिए वाई. ठीक? इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सी में कि एक्स इज इक्वल टू वाई. ठीक? अब नेक्स्ट आ जाइए, चलिए इसको हम अलग कर देते हैं नहीं तो कंफ्यूज रहेंगे. ठीक? फिर हमने कहा एक्स, ये एक्सक्लेमेटरी साइन वाई, इसका मतलब क्या होता है, एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई. ठीक? फिर ऐसे ही आपने ये दिया एक्स इज, ये तो आपको पता ही होगा एक्स इज लेस देन वाई, एक्स इज लेस देन वाई. फिर आपने कहा कि x इज ग्रेटर देन y. ठीक है? तो यहां पे हो जाएगा x इज ग्रेटर देन y. सिमिलरली फिर आपने कहा कि x इज लेस देन और इक्वल टू y, तो ये आपको पता ही है. ठीक? फिर आपने ऐसे लिखा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, ये भी क्लियर है. ठीक? तो इस तरह से रिलेशनल ऑपरेटर बीच बीच में यूज होते हैं इफ स्टेटमेंट के. अभी आप इसको यहां तक क्लियर कर लीजिए. अब इसको इफ स्टेटमेंट की एक एग्जांपल लेके नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसको और बेहतर तरीके से क्लियर कर देंगे. तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा. वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कीजिए. आपका सब्सक्रिप्शन बहुत मोटिवेशन देता है, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए. थैंक यू.